हे गाइस, वेलकम टू स्टार एपिक्स न्यूज। हां जी, इस बार हमसे प्यार मांगने आ गए हैं अजय देवगन साहब। इनकी जो है दे दे प्यार दे मूवी आज रिलीज हो गई है। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो मूवी में है रकुल, प्रीत, अजय देवगन और तब्बू। इन तीनों की बॉन्डिंग देखने में हमें ज़्यादा मजा आ सकता है। वैसे ही इस मूवी की डायरेक्शन की बात की जाए तो मूवी को डायरेक्ट किया है अकीव अली जी ने। आशीष यानी अजय देवगन एक सिंगल पेरेंट है जो अपनी बीवी और दोनों बच्चों को छोड़कर एक दूसरे देश में रहते हैं। प्रोफेशन से देखा जाए तो एक फाइनेंशियर है, मतलब बड़े बड़े कंपनियों में ही अपना पैसा लगाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनको काफी करोड़पति दिखाया गया है बॉस। अगर वैसे ही हम लोग बात करें आयशा की, तो आयशा एक मॉडर्न सोच वाली लड़की है, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर ज्यादा जीना पसंद करती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और प्रोफेशन से देखा जाए तो वो एक इंजीनियर है। अगर हम लोग इनकी केमिस्ट्री की बात करें तो ये केमिस्ट्री काफी फ्रेश है, मतलब ये जोड़ी अभी तक हम लोगों को स्क्रीन पर देखने को नहीं मिली। वैसे ही ये मूवी में ये जोड़ी काफी फैबुलस काम करने वाली है। फिल्म में एक 50 साल के बुड्ढे और एक 26 साल की जवान लड़की के बीच प्यार होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन लोगों के बीच में एज डिफरेंस तो है, वैसे ही इन लोगों के बीच में इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये सब चीजें पीछे छोड़कर ये लोग सिर्फ अपने प्यार को देखते हैं और प्यार के खातिर ये लोग अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इस मूवी में एक ट्विस्ट आता है जो कि लेके आती है आशीष की एक्स वाइफ, वो भी तब्बू। तब्बू एक वुमेन ओरिएंटेड है, मतलब वो एक फैमिली ओरिएंटेड वुमेन है जो अपनी फैमिली को अकेली देखती है, अपने दोनों बच्चों को अकेले पाल पोस कर बड़ा करती है। इस मूवी की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ जो है वो काफी स्लो है, लेकिन जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है मूवी एक रफ्तार पकड़ लेती है। इस मूवी पे काफी सारी सोशल इश्यूज के बारे में बात की है, जैसे कि डिवोर्स और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी काफी बखूबी से स्क्रीन पर दिखाया गया है। जहां तक हम लोग इस मूवी में सॉन्ग की बात की तो सॉन्ग तो बहुत हार्ड है, बहुत मतलब जुबान पर चढ़ने के लिए बहुत हार्ड है, लेकिन इमोशनली यह हम लोगों को इमोशनल कर सकते हैं। अगर इस बात के रिएक्शन की बात की जाए, इस मूवी के रिएक्शन की बात की जाए तो ये काफी मिक्सअप रिएक्शन आने वाला है। कई लोगों को ये मूवी पसंद आने वाली है, कई लोगों को नहीं पसंद आने वाली है। अगर आप लोग इस मूवी को फैमिली के साथ जाके देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो हाँ जी, आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित हो सकती है। अगर मैं इस मूवी को स्टार देने की बात करूं तो मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगी। वैसे ये तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि मुझे क्या लगता है इस मूवी के बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आके हम लोगों को बता सकते हैं। सो कीप वॉचिंग स्टार एपिक्स न्यूज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड यस नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।